पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। नहीं भैया, I'm sorry, मैं ईशा को ड्रग नहीं कर पाया। सच कहूं तो मैं ये कभी नहीं करना चाहता था, पर मैं आपको मना नहीं कर पाया। यश भैया, मुझे ईशा से प्यार हो गया है, मैं उसे चाहने लगा हूं, इसलिए मेरे दिल ने मुझे रोक लिया, दिल माना ही नहीं। ईशा को मैं ड्रग्स नहीं दे पाया, मैंने ईशा से कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं ईशा को हमेशा के लिए खो चुका हूं। मैं तलवार हूं, ये जानकर वो मुझसे सिर्फ नफरत करेगी। छोटे छोटे मेरी बात सुन, इट्स ओके, रोना बंद कर, देख मुझे माफ कर दे। आज तू जिस जगह पे फंसा है तू मेरी वजह से फंसा है, तेरा दिल टूटा है तू मेरी वजह से टूटा है। आई डोंट नो हाउ आई विल बी एबल टू मेंड इट, लेकिन मैं तुझे बता नहीं सकता मेरा दिल मेरे साथ क्या खेल खेल रहा है। तू ये सब छोड़, तू एक काम कर, बस जितना जल्दी हो सके वापस आ जा। भारद्वाज, क्या कनेक्शन है। ये सच है, मैं यश तलवार का भाई अक्षत तलवार। ईशा, इट्स ओके, तुझे कुछ नहीं हुआ है, थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ है। I'm really sorry, ईशा। मुझे ना तुझसे पहले पूछना चाहिए था कि मैं डीजे को वापस लेके आना चाहती हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर मैं तुझसे पूछती या फिर दादा बाबू से पूछती तो तुम लोग सीधे सीधे मना कर देते। पर तूने देखा ना कि हमारे दुश्मन किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, कितने नीच हैं ये लोग। अब इन लोगों के साथ डील करने की हमें डीजे जैसे इंसान की जरूरत पड़ती है। और ईशा, डीजे पर ना मेरी अभी तक नजर है, उसको मैंने कोई छूट नहीं दे के रखी है। और आगे अब हम जो भी डिसीजन लेंगे ना, वो दादा बाबू की गाइडेंस से लेंगे कि आगे क्या करना है, क्या करें, सब कुछ। ये देख, तुझे यकीन नहीं हो रहा ना, तो इस वीडियो को देख। तुम्हारे केसेस अभी भी चल रहे हैं, पुलिस कार्रवाई चालू है और कोर्ट ने अभी तक तुम्हारे केस में कोई फैसला नहीं सुना है। बेसिकली तुम अब वो करोगे जो मैं तुमसे करने के लिए कहूंगी। अगर एक भी पल, एक भी घड़ी तुमने वो नहीं किया जो मैंने तुमसे कहा, तो ये सारे एविडेंसेस एक साथ पुलिस, मीडिया, कोर्ट में पहुंच जाएंगे। डीजे ना ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो मैं उससे करने के लिए ना कहूं, और डीजे ने अगर ऐसा कुछ भी कहा ना तो सीधे सीधे सबसे पहले जेल जाएगा। तू देख ले इस वीडियो पे। ईशा, तू ये कभी मत भूलना कि हम दोनों फैमिली हैं, एक दूसरे की ढाल है हम लोग, और ये कभी नहीं बदलेगा ईशा, कभी भी नहीं। It's okay, पापा, don't cry. Really sorry थी, मैं आपको hurt नहीं करना चाहती थी। जानती हूँ बेटा, तुझे ये बात ना कभी बोलने की जरूरत भी नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं था कि अक्षत तलवार फैमिली से, मैं बेवकूफों की तरह उस पे विश्वास करती रही, और मुझे सच में उसके साथ अच्छा लगता था। जिस तरह से वो मेरा ख्याल रखता था ना, मुझे लगा वो परफेक्ट है, मैं उसके साथ अपना फ्यूचर प्लान कर सकती हूँ। पर नहीं, वो तो मेरे इमोशंस के साथ खेल रहा था, मुझे बेवकूफ बना रहा था। It's okay, ये सब उसकी गलती है, और लोग ना अपने कर्मों का फल भुगतते ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, ठीक है? यश तलवार, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस दो कौड़े की हरकत का सिला तुम्हें ऐसा दूंगी कि याद रखोगे तुम। अमरजीत तलवार और मुदलियार के कनेक्शन के बारे में कुछ पता चला? सर अभी तो नहीं, लेकिन मैं लगा हुआ हूँ। हाँ सर, एक नई फुटेज मिली है, मुझे लगता है सर आपको देखना चाहिए। ये फुटेज नील के एक्सीडेंट के 2-3 दिन पहले की है।
इसके बाद यश तलवार को हॉस्पिटल ले जाया गया। ये खबर न्यूज में भी आई थी और उसी के 2-3 दिन बाद नील का एक्सीडेंट हो गया। ये फुटेज नील की डेथ से 2-3 दिन पहले की है। इसके बाद यश तलवार को हॉस्पिटल लेके गए होंगे। उसको और किसी जरूरत तो नहीं थी? तुमने हॉस्पिटल में पता किया? कहीं ऐसा तो नहीं है अमरजीत तलवार इसलिए मुदलियार से मिल रहा था? मुझे यश तलवार की पूरी मेडिकल हिस्ट्री चाहिए। ठीक है सर, मैं सब कुछ पता करके बहुत जल्द आपसे मिलता हूँ। अभी चलो सर। इंटेंस केमिस्ट्री है या ट्विस्ट है? जब ट्विस्ट में इतना मजा आ रहा है तो क्लाइमैक्स में मजा तो आएगा। मेरी बेटी ईशा घर पर नहीं है। अगर उसके गायब होने के पीछे तुम्हारा या तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य का हाथ हुआ तो मैं कसम खाती हूँ उस इंसान को मैं खुद अपने हाथों से मारूंगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, देख लेंगे हम भी। ईशा, ईशा कुछ मत बोल, सब कुछ भूल जा, ठीक है? शांत हो जा, तू अब अपने घर पर आ गई है सुरक्षित। पानी पिएगी? हाँ युविका, पानी ले आ। आजा बैठ जा इधर। ईशा एक बुरा सपना समझ के सब कुछ भूल जा। मम्मा, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मुझे सच्चा प्यार कभी नहीं मिलेगा? आपको पता है अक्षत मेरा कितना ख्याल रखता था। इसीलिए अक्षत को मैं पसंद करने लगी। मैं बेवकूफ हूँ, मुझे सही लोगों की पहचान करना ही नहीं आता। मम्मा नहीं बेटा, ईशा केले पानी पानी पी ले। ईशा तुझे कोई गलती नहीं हुई है तो तू खुद को ब्लेम करना बंद कर। बस ये सोच ले कि तू चालाक नहीं है, क्योंकि हमारे पापा ने ना हमें चालाक बनना या किसी से मतलब ही बनना नहीं सिखाया है। दूसरों पर भरोसा करना ना गलती नहीं होती है। वो तो मम्मी, मैं, हम सब लोग जिनका भी दिल साफ होता है ना, वो दूसरों पर भरोसा करके ही चलते हैं। अब कोई दूसरा तुम्हें अगर धोखा दे रहा है तो उसमें तुम्हारी गलती तो नहीं है। और अगर तुझे लग रहा है ना कि तुझसे गलती हुई है तो इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके। गलती से सुधार करके तू लाइफ में आगे भी तो बढ़ सकती है ना। अब तुझे चिंता करने की और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक हम लोग साथ में हैं हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये तू खुद कहती थी ना। आप सही कह रहे हो दी। मैंने आपसे लड़ाई की, आपको क्या कुछ नहीं कहती। आज वो डीजे आया, उसकी शक्ल देखते ही ना। अब बस एक चीज याद रखना, मुझे ना खुद से ज्यादा आप पे ट्रस्ट है। मुझे पता होना चाहिए था कि आप कोई भी ऐसा फैसला नहीं लोगे जिससे हमें तकलीफ हो। मैं हमेशा आपके साथ होती। मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती हूँ मम्मी। हाँ बेटा, जा अपने कमरे में जाके थोड़ा रेस्ट कर ले। तू सो के उठेगी ना तो तेरी फेवरेट डिश रेडी होगी। ईशा देख, हमारे बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हमारे बीच में बहस हो सकती है, हम लड़ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग साथ में नहीं है। तो तू कभी भी अकेला महसूस मत करना। अब मैं अकेली पड़ गई हूं। सॉरी, तू ईशा से प्यार करने लगा था। सॉरी यार, जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है ना। मैं तुझे ये सब करने को कहता, चाहे जिस भी वजह से, मैं ये सब होता। I'm really really sorry man। नहीं यश भैया, ये तो होना ही था, लिखा था
अभी तो सच्चा प्यार कर बैठा। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।